झारखंड के जिला गिरिडीह के अंतर्गत केरीडी गांव के निवासी दिनेश साहू के पिता डीलो साहू रोजगार के लिए राजस्थान सीकर शहर के बद्री विहार के लक्ष्मी मार्केट के पीछे कैंटीन में काम करने वाला एक मजदूर था, जो 21/5/2013 को काम से आने के बाद वह स्नान के लिए बगल के कूप में गया था। जाने पर कूप की पट्टी टूट जाने से और कुएं में गिर पड़ने से उसी क्रम में मृत्यु हो गई। आपके कितने बेटे? तीन तो है, एक तो डेट हो गया, अब दो तो बचा है। वो कहाँ पे? वैसे राजस्थान। कैसे हुए? यही लेबर काम कर रहा था, मान ले जैसे कुआं में पड़ गया, क्या करेंगे। अभी तक कुछ मुआवजा नहीं मिला सरकार द्वारा? अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। हम सुजय सिंह कैरीडीह वार्ड सदस्य हैं। मेरे गांव में 200 से ऊपर मैंने कमाने वाला मजदूर हैं, सब बाहर में जाके काम करते हैं। 6 महीना साल भर में वो आते हैं घर अपना, और यहाँ कोई तरह का सुविधा नहीं मिलता है। मुखिया को भी बोला जाता है तो मुखिया भी यहाँ का कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मजबूरी है, यहाँ कोई तरह का सरकार का कोई रोजगार योजना कोई नहीं चल पा रहा है, इसलिए अपना गुजर बसर करने के लिए बाहर जाते हैं और 12 घंटा वहाँ काम करते, 8 घंटा का पैसा मिलता, वह सही टाइम पर नहीं मिल पाता है। उस पर कोई तरह का घटना भी घट जाता है, उसका भी सही प्रकार के मुआवजा नहीं दिया जाता है, और मजबूरी के बस में अपना कमाने खाने जाता है। अगर उस तरह का योजना यहाँ चलता तो लोग यहाँ का बात बाहर नहीं जाते। आज यहाँ काम अगर रहता तो यहाँ रहने के बाद मरता तो नहीं। एक आदमी यहाँ है, सखी सिंह का लड़का कारू सिंह, वो भी दोनों बाप बेटा मारा गया, जो कि उसका 3 लड़की एक लड़का है, उसका भी कोई सुनवाई सरकार अभी तक कुछ नहीं किया गया। न बीपीएल में नाम है, एकदम गरीबी रेखा से नीचे वो जीवन बसर अपना कर रहा है। डिलोसा का लड़का, उस 26 साल का, वो मारा गया बाहर में ही, उसका भी कोई सुनवाई नहीं हुआ। एक पैसा कहीं से मैंने नहीं मिला, नहीं इंदिरा आवास भी नहीं मिला है। बीपीएल में नाम उसका था, लेकिन उसका इसको इंदिरा आवास नहीं मिला, न सामाजिक सुरक्षा कुछ मिला। उसका बच्चा बेसहारा हो गया, 2 को बच्ची हुआ है। ऐसा ढेरा मेरा गांव में बहुत ऐसा गरीब आदमी है जिसे कोई सहारा मतलब कोई कुछ सहारा नहीं मिलता है। मैं वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से अपील करती हूँ कि लेबर सुप्रिंटेंडर के नंबर पर फोन कर 9431314997 पर फोन कर दबाव दे, ताकि और भी कोई दिनेश साहू के तरह बाहर जाके मृत्यु का सामना ना करे और उनका परिवार सुखी संपन्न रहे और उसे घर गांव और शहरों में ही काम मिल जाए।